आज हमारे बीच बॉलीवुड की क्वीन राखी सावंत मौजूद हैं। इनका न्यू सॉन्ग आया तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तो मैम क्या कुछ कहना चाहोगे आपके सॉन्ग के बारे में? मैं तो बहुत कुछ कहूँगी, पहले तो खुशी से बोल, तो खुशी से तो बोल, थोड़ा एनर्जी से तो बोल कि तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, ऐसा बोलो भाई, बोलो जी। बोलो आर राखी जी का न्यू सॉन्ग आया तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, और कुछ ही देर रिलीज हुआ और लोग काफी प्यार दे रहे हैं, तो मैम क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज मेरा और मेरे जान मेरी प्यार आदिल का गाना रिलीज हुआ है तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, ए बी बंसल म्यूजिक में, और बंसल साहब और शाइना जी हमारे को प्रोड्यूसर है, म्यूजिक डायरेक्टर अल्तमस है, सिंगर और अक्षय डायरेक्टर है वीडियो के, और आदिल और मैं पिक्चराइजेशन हम पर हुआ है, और लोगों को सॉन्ग बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि हम लोग लव बर्ड्स है, अभी अभी हमारा 6 महीने का नया नया ताज़ा ताज़ा प्यार है, लेकिन हमें ऐसा गाना मिला है ट्रेजेडी सैड सॉन्ग बिछड़ने वाला नफरत वाला, लेकिन लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। आदिल जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये गाने को लेके, बिकॉज मेरा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग है और राखी के साथ है। राखी इतनी एस्टैब्लिश एक डांसर है, एक एक्टर है, इसके साथ बहुत मुश्किल रहा मुझे करना, बिकॉज बहुत इजी भी दिखा उसके बाद, बिकॉज ये थी मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही थी, सेट के हर एक यूनिट में मेरे पीछे खड़े रही। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और फैन से ये बोलना चाहूँगा, मैं सो हैप्पी कि इनका डेब्यू था, और फर्स्ट टाइम जो मैंने सोचा था कि अरे यार नए लड़के को कैमरे के सामने खड़ा करना, जैसे कॉमन मैन, इन्होंने अभी तक कोई एक्टिंग वैक्टिंग कुछ सीखी नहीं, सिर्फ 7 दिन के क्लास में हम लोगों ने रिस्क उठाया, सबसे बड़ा रिस्क उठाया मेरे प्रोड्यूसर बंसल साहब और शाइना जी ने, हैट्स ऑफ टू देम, यू नो कि उन्होंने ये हम मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैंने बोला उसको आदिल को मेरे एक चांस दो, वो आपके वो बहुत अच्छा करके दिखाएगा, और वो लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं आदिल की। मेरा शोना ये सॉन्ग बनाने का मैम क्या मकसद रहा आपका, किस लिए सॉन्ग बनाया आप? मकसद तो कुछ नहीं रहा, मतलब किसी से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, किसी से कोई नफरत ही नहीं है, बट ये मेरे एक्स के लिए डेडिकेट है, और आदिल बोलेंगे उसकी एक्स के लिए। जान बताओ? हाँ नहीं, हाँ नहीं, पूरा बताओ। कपड़े हूँ नहीं, पूरा बताओ, बोल रही बोलो। हाँ हमारे दोनों के एक्स के लिए है ये कि आप हमारे दिल में रहने के लायक नहीं। I like his smile is amazing ना, I love his smile, laughter। मैम जैसे कि मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। कहाँ पीछे? नहीं मतलब नहीं, स्टोरी में पीछे जाता हूँ। अच्छा अच्छा, स्टोरी में पीछे जाता हूँ। पीछे क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, आपकी लव स्टोरी आदिल के साथ कब मुलाकात हुई और कब स्टोरी चालू हुई आपकी लव स्टोरी? मेरी लव स्टोरी जब मैं डिप्रेशन में थी, मैं सैड थी, मैं रो रही थी, तो जब हीरोइन सैड होती है, रो रही होती है, तो हीरो की एंट्री होती है अल्लाह की तरफ से, ऊपर परमेश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से, तो मेरे हीरो की मेरी ज़िंदगी में एंट्री हुई, खुशियों की बाहर आई, और इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, और आज मैं मेरी जान के साथ हूँ। थैंक यू सो मच, कम टू माई लाइफ। ये ऊँचा क्यों जा रहे हो? ये बहुत मस्ती हो रहे हैं। शूटिंग के दौरान आदिल जी और आप क्या कुछ किए बताना चाहो? नहीं नहीं, वो सब थोड़ी ना बता सकते हैं। क्या कुछ किए मतलब क्या? मतलब क्या कुछ हुआ, धमाल हुआ या इमोशनल? अच्छा, हुआ उस टाइप का? ओह तो मैं डर गई कि आप क्या कुछ क्या क्या किए सब बताओ। जान क्या क्या पूछता है ये बापू, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, जवाब दो। बहुत धमाल हुई, बहुत मजाक किया, बहुत सारे सेट पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लाइक एक लव सीन था मेरा विलन के साथ में, तो एज अ कॉमनर उनको नहीं पसंद था ये शौक। पहली बार शूटिंग देखा लाइफ में, पहली बार शूटिंग देखा, कभी मेरे शूट पे भी नहीं आए, पहली बार शूटिंग देखा, और ही वो शॉक्ड, तो लफड़ा झगड़ा सेट पे बहुत सारा हो गया था हमारे बीच में, नॉट फ्रंट ऑफ एवरीवन, बट अभी ठीक है। अभी फिर उनको समझ में आ गया कि अगर वो सीन नहीं होता तो ये गाना नहीं होता। क्या आदिल के साथ आप और भी सॉन्ग कुछ करने वाले हो? आदिल के साथ तो मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, फिल्म, सॉन्ग, बहुत सारी चीज़ें, और हाँ घर भी बसाने वाली हूँ। आदिल जी हमेशा आपके ड्रेस को लेके सुर्खियों में बने रहते हैं, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे आप जी? आपको पूछ रहे पप्पू, ये क्या सारे सवाल के जवाब मैं ही दूँ क्या? हाँ। आपके इधर पकौड़े तल रहे हो पापा? बोलो 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 बच्चा, बोलो बोलो बेटा,
हाँ बिल्कुल, इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पहनूँ, बिल्कुल नहीं, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और इनका पूरा फैमिली नमाजी हैं, और बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अभी तकदीर से इन्होंने बॉलीवुड की लड़की को पसंद किया है जो कि बहुत ही ग्लैमरस है। मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है आगे बढ़ के पीछे रिवर्स में आना, बट मैं अपने प्यार के लिए, अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ। मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांसें, एंड ऑफ द डे क्या है, घर बसाना होता है ना। मैं अपने प्यार और अपने ससुराल वालों के लिए करूँगी, मैं चेंज होऊँगी। मैं आप हमेशा बिग बॉस में रही हो और हमेशा बिग बॉस जीती भी हो, तो क्या इस बार आदिल नहीं जीती? भाई नहीं भाई, मैं नहीं जीती कभी, मुझे जितवाओ। हमेशा इंटरटेनमेंट करते हो आप, तो क्या इस बार आदिल जी के साथ देखने मिलेंगे आप? अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, जनता ने चाहा, बिग बॉस ने चाहा, सलमान भाई ने चाहा, तो हम दोनों ज़रूर बिग बॉस में जाएंगे। कब से मैं ही बोल रही हूँ, ये क्यों नहीं बोल रहे? अब क्या कुछ कहना चाहिए? ये तुम्हारा फ़ैन है। हाँ, बिग बॉस के घर में क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा? पापा मैं क्या नया दिखा सकता हूँ पापा? बहुत कुछ है दिखाने के लिए पापा नया। हाँ भाई, आशा करते हैं हम जाएंगे, राखी जहाँ जहाँ रहेगी मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। आशा करते हैं अगर हम गए तो हमारा बहुत नया रूप देखने को लिए मिलेगा। थैंक यू। क्या आप फैंस की डिमांड कब पूरी करने वाले हो? आप शादी कब करने वाले हो? फैंस की डिमांड तो ये, तेनू ले के मैं जावा, तगड़ी तगड़ी तगड़ी। अभी अभी, अभी, अभी वो नहीं हो रहा है, फैंस की ख्वाहिश अभी अर्जेंट में नहीं हो सकती, बिकॉज बैंगलोर में बहुत बारिश है, घोड़े वोड़े हम नहीं चला सकते, होते हैं सारे घोड़े डूब गए लगता है बैंगलोर में बारिश में। पापड़े एक तो घोड़ा होगा, वो मैसूर वाला, वो मैसूर, वो रात में मिलेगा 12 बजे। अभी वक्त है शादी के लिए, दिल थाम के बैठो, एक दिन जरूर होगी। मैम ऑडियंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ऑडियंस के बारे में मैं कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा गाइस, प्लीज गाना हिट करो, आई वांट मिलियंस मिलियंस, 100 मिलियन 200 मिलियन लगेगा, मेरे एक्सेप्ट करो, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा काम करूँ आप लोगों के लिए। ओवर टू राखी। थैंक यू। अच्छा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग रील्स बनाइए, और तू मेरे दिल में रहने लायक नहीं, इसके लिए रील्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए। ए बी बंसल म्यूज़िक का प्रेजेंट तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं में यूट्यूब में जाइए, प्लीज़ आप देख लिए देखिए और रील्स बना के हमें टैग कीजिए। हाय माधवी खानदुरानी। हाय, आई एम राखी सावंत, और आप देख रहे हो न्यूज़ हेल्पलाइन। न्यूज़ हेल्पलाइन।